अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ये बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फौरन पता चल सके कौन सा वजीफा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महतरम नाज़रीन सामईन, आज जो मैं एक ऐसा आसान और नायाब अमल लेकर आया हूँ, शायद ही आपने ये सुना हो और देखा हो। इतना जबरदस्त मुजरब अमल है कि आप हैरान रह जाएंगे इसके जब नतीजे अपनी जिंदगी में देखेंगे। ये क्या है, ये मैंने बस एक आपके बुलेट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। जब आप ये अमल करेंगे तो मुश्किलात का खात्मा होगा और इस अमल की इतनी बड़ी बरकत है कि दीन दुनिया और आखरत की कशाइश होगी, यानी कि आप दीन में भी बरकतें देखेंगे, दुनिया में भी और आखरत में भी इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। तो ये इतना जबरदस्त मुजरब अमल है और हर शख्स चाहता है कि उसकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएं। तो आज जो मैं अमल बताने वाला हूं निहायत आसान भी होगा और मुजरब भी है, इसको आप जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा और सुनिएगा। अच्छा जी, ये देख लें, अमल का मुकम्मल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये अपने जो ये जो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है ना, ये जो आप लोग जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो ये पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा फ्तहली अबवाब रहमतिक, ये वाली दुआ पढ़ते हैं। उसके साथ में आपने ये भी साथ में मिलाना है, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु, ठीक है। तो ये तीन दफा आपने इस तरह पढ़ना है, पूरी दुआ यूं है, अल्लाहुम्मा फ्तहली अबवाब रहमतिका या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। ये दुआ आपने किस तरीके से पढ़नी है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा जी, नंबर एक पर ये आपको मैं बताने वाला हूँ, हर नमाज के बाद आपने, जब आप मर्द हजरात मस्जिद में पढ़ रहे हो, खवातीन घर में पढ़ रही हो, तो नमाज फर्ज नमाज के बाद 101 मरतबा आपने ये पढ़ना है, ठीक है ना। जो दुआ मैंने आपको पीछे बताई है उसको 101 मरतबा पढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि इस दौरान आप किसी से इशारों में भी बात ना करें, पूरी तवज्जा इसकी इस दुआ पर होनी चाहिए, उस दुआ के तर्जुमे पर होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर दो पर आपने क्या करना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 1 मरतबा आप लाजमी पढ़ें, यानी ये दुआ आपको बताई है, इसके पहले आपने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके आखिर में 1 मरतबा पढ़ लें, 3 दफा पढ़ लें, ताक अदद में पढ़ सकते हैं। और दुरूद शरीफ अगर दुरूद इब्राहिमी हो तो ये ज्यादा बेस्ट है, आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, ठीक है। तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, यकीन कामिल रखते हुए आप जब ये अमल करेंगे तो इस अमल की बरकत ऐसी होगी कि अल्लाह करीम आप पर रहम फरमाएंगे और जिंदगी की हर मुश्किल परेशानी का इंशाल्लाह जड़ से खात्मा होगा। और इसका फायदा आपको मैंने पहले भी बताया है कि दीन दुनिया और आखरत तीनों जगह इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। तो ये मैंने आपको कितना आसान जबरदस्त और मुख्तसर अमल बताया है, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इस अमल से जरूर फायदा उठाएंगे और सदका जारी की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट्स में अपनी राय और मोहब्बत का इजहार करना मत भूलिएगा। तो दीजिए इसी के साथ मुझे इजाजत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।